पिछली वीडियो में आपने देखा कि तन्नू और युवी खजाने की तलाश में थे और आखिरकार उन्हें खजाना मिला भी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे हम कहाँ आ गए? ये जरूर पजल होगा। चलो खजाना ढूंढने चलते हैं। चलो। ये क्या है? तो खजाने का मैप लग रहा है। हाँ, मुझे लगता है ई का मतलब ईस्ट और एस का मतलब साउथ होगा। तो जरूर ये नंबर्स इन पॉइंटों के बीच की दूरी होगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी दिशा किस तरफ है? हमें कंपास की जरूरत है। अरे हाँ, मुझे पता है कंपास कैसे बनाते हैं। पहले इस कागज पे गोला बनाओ, फिर इस पे चारों दिशाएं अंकित करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इस कटोरे में पानी डालो, फिर इस कटोरे को इसके ऊपर रख दो। अब इस सुई को इस चुंबक पे रगड़ो। अब इस सुई को इस ढक्कन में घुसाओ। इसको पानी के ऊपर रख दो। इस पेपर को तब तक घुमाओ जब तक इस सुई की नोक एंड की तरफ ना आ जाए। चुंबक पे सुई को रगड़ने से सुई चुंबकीय हो जाती है, तो सुई अब एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगी। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम हमेशा इससे घिरे रहते हैं। यही कारण है कि एक कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। अब मेरा कंपास पूरा तैयार है। चलो अब खजाना ढूंढने चलते हैं। आज चलो, हमें यहाँ से 15 कदम ईस्ट की तरफ चलना है। मेरे कंपास के हिसाब से ईस्ट उधर है। बीस कदम साउथ की ओर। इधर। अब 10 कदम साउथ वेस्ट की तरफ। उधर उधर। अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ जाने वाले हैं। अब हमें 50 कदम नॉर्थ की तरफ चलना है। उधर है। प्रवासी पक्षी हर साल धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक उड़कर जाने और वापस आने के लिए प्राकृतिक कंपासेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पक्षी सूरज की मदद से अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं और कुछ पक्षी अपने दिमाग में पाए जाने वाले मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल एक कंपास के जैसे ही धरती के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेता है। व्हेल्स को पूरे साल हजारों किलोमीटर में फैले बड़े महासागरों को नेविगेट करना पड़ता है। कुछ व्हेल्स साउंड की मदद से दिशा का पता लगाती है, वो साउंड पानी के अंदर से टकरा कर वापस आती है, फिर व्हेल्स अपने दिमाग में एक मैप बनाकर रास्ते का पता लगाती है। कुछ प्रवासी पक्षियों की तरह व्हेल्स भी अपने इनबिल्ट कंपास का इस्तेमाल करके धरती के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करती है, जो उनको रास्ता ढूंढने में मदद करता है।